माई नेम इज़ आयुषी पटेल एंड हाल ही में मैंने NDA 149 बैच क्वालिफाई किया है फ्रॉम 22 SSB भोपाल. आई गॉट रिकमेंडेड. सो इन माई बैच देर वॉज रिपोर्टिंग ऑफ 34 स्टूडेंट्स एंड 30 गॉट स्क्रीन इन एंड 4 गॉट रिकमेंडेड एंड आई वॉज वन ऑफ देम. सो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड टू गेट रिकमेंडेशन. So since it was my second attempt and also the last one, so I first of all introspected all my mistakes that I have done in my previous attempt and what I felt that since it was my first attempt that was NDA 148, so at that time I got nervous. So मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी अपने first attempt में और कि मेरा ये पहला attempt है अपनी family से. मैं first person हूँ जो जा रही हूँ first time. सो मुझे क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा सा नर्वसनेस थी. इंटरव्यू में भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका जवाब मैं अच्छे से नहीं दे पाई थी और मैं उनके सामने घबरा गई थी एज देवर आर्मी ऑफिसर्स. सो मगर मैंने ये चीज़ अपने अंदर सुधार किया और इस टाइम मैंने इन सब चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन किया, उनको अच्छे से प्रेजेंट किया अपने इंटरव्यू के दौरान एंड फाइनली आई गॉट रिकमेंडेड दिस टाइम. सो Starting from the very first, that was the psychology test. As I was quite sure that I would get screened in definitely, because मैं खुद यहाँ जब सेंचुरियन practice करती थी तो 4 to 5 times I have practiced and many times I have got screened in here. So मैंने अपने उस performance को बरकरार रखा and I got screened in my NDA 149 batch. And इसमें स्क्रीन इन होने के बाद जैसा कि PPDT में मैंने अच्छे से अपनी स्टोरी को लाइवलीनेस के साथ नारेट किया, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट मैंने मेंटेन किया बच्चों के साथ एंड SSRs को नहीं देखना था जैसा कि उन्होंने बताया था तो मैंने नहीं देखा एंड मैंने अपनी स्टोरी को नारेट किया. देन ग्रुप डिस्कशन में 5 to 6 टाइम्स मैंने पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ पर पार्टिसिपेट किया. मैंने फ़िश मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया एंड अपने पॉइंट को तब रखा जब औरों की वॉइस लो थी और लोग मुझे सुन रहे थे एंड फाइनली आई गॉट स्क्रीन्ड इन. मेरी पिक्चर दैट वाज अ लाइब्रेरी पिक्चर. सो ऑन दैट आई रोट अ कोलाज स्टोरी, कोलाज कॉम्पिटिशन स्टोरी. एंड आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन देर वॉज अ साइकोलॉजी टेस्ट. सो फॉर द साइकोलॉजी टेस्ट आई कम्प्लीटली फॉलोड द शिशिर सर्स रणनीति बुक दैट वॉज गिवन बाय हिम टू अस. तो उसमें वैट की सेट्स दिए हुए थे, टैट की पिक्चर्स दी हुई थी और मैंने गूगल की भी पिक्चर्स प्रैक्टिस किया. उसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के स्टोरीज दिखी हुई थी तो मैंने वो सब देखा. वैट की मैंने खुद PPTs बनाई, उसमें स्लाइड शोज बनाए, सेट्स बनाए खुद 60 वर्ड्स के और मैंने उन सबको थॉरली प्रैक्टिस किया साइकोलॉजी टेस्ट के लिए. हर रोज़ मैं 5 स्टोरीज लिखती थी, हर पूरा प्रॉपर टाइम टेबल बनाया साइकोलॉजी टेस्ट के लिए, GTO टास्क के लिए, इंटरव्यू के लिए और मैंने स्टोरीज़ को टाइमर लगा के लिखा. अपने जो मेरी प्रीवियस स्टोरीज़ थी उनको रिवाइज किया और मैंने काफ़ी स्टोरीज ऑलरेडी मैं लिख चुकी थी तो मेरा हैंड ऐसा हो चुका था कि मुझे स्टोरीज़ को प्री कंसीव नहीं करना पड़ रहा था. मेरे पास कोई भी पिक्चर आती थी तो मैं उस पर तुरंत अपने आइडियाज़ को नो डाउन कर सकती थी. सो माई साइकोलॉजी टेस्ट गॉट वेरी गुड एंड आई कुड नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स देयर. Finally, in each of the 12 stories, I wrote down each of the 12 and completed all these stories. Also, in my VAT, I completed all the 60 words. There was not a single word that I have missed. And in my SD also, I linked the SD to my weaknesses, strength. So, मैं psychology test के लिए मैंने काफ़ी practice की थी already और मुझे जो भी points शिशिर सर ने यहाँ पर बताए थे उसको मैंने अच्छे से अपने mind में रखा, उसको revise करते रहा और अपनी writing speed बहुत अच्छी मैंने बरकरार रखी. तो ऐसे मेरा psychology test बहुत अच्छा गया. उसके बाद द सेकेंड दैट वॉज द GTO टास्क. तो GTO टास्क में मैं ऑलरेडी मैं कोचिंग में प्रैक्टिस कर चुकी थी एंड मैंने बहुत बार HGT PGT में यहाँ पार्टिसिपेट किया था. GTO ग्राउंड गई थी, वहाँ पे मुझे RK शर्मा सर और यश सर ने जो भी पॉइंट्स बताए थे उनको मैंने अच्छे से अपने माइंड में रखा. उनको मुझे जब भी मैं अपने घर में होती थी, कहीं जाती थी तो वेन एवर आई गेट प्रॉब्लम्स इन अलॉन्ग माई वे सो आई वुड सॉल्व दैट, आई वुड थिंक ऑफ द सल्यूशन.
so that I could solve it during my HGT PGT time also. And मैंने ये चीज़ देखा कि जब मैं HGT PGT के वक्त मैं खुद अपने पॉइंट्स और मैंने बहुत अच्छी लीड ली, मैंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, IOs में भी मैंने 7 IOs किए थे और GOR भी मैंने बहुत अच्छे से किया. लेक्चरेट और GD के लिए आई वुड डेफिनेटली आई हैव रेड न्यूज़पेपर थॉरली ऑल दोज डेज फ्रॉम माय फर्स्ट SSB टिल दिस टाइम. आई हैव नॉट मिस्ड इवन अ सिंगल डे जब मैंने न्यूज़पेपर ना पढ़ा हो. और न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से मुझे GD में, मुझे लेक्चरेट में, इंटरव्यू के वक्त हर जगह मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली टू प्रेजेंट माय फैक्ट्स फिगर्स, टू शो माय नॉलेज एंड दैट आई एम वेल अवेयर ऑफ माय सराउंडिंग्स, द करेंट अफेयर्स दैट आर गोइंग ऑन. तो मैंने अपने न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हॉबी में भी लिखा था एंड मेरे इंटरव्यू में पूछे भी गए थे बहुत सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस. सो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग जारी रखी ऑल दोज डेज. और GTO टास्क में मैंने मेरे ख्याल से लाइवलीनेस और अच्छा स्टैमिना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आपको GTO टास्क करने के लिए. सो उसके लिए मैं हर रोज़ मॉर्निंग में जाती थी, अपना मैंने डेली रूटीन मेंटेन किया, मैंने फिजिकल रनिंग की, एक्सरसाइजेस किए सो दैट आई कुड डू टाइगर लीप, टार्जन जंप लाइक ऑब्स्टेकल्स वेरी वेल. ऐसे मेरा GTO टास्क भी बहुत अच्छी तरीके से निकल गया था. और उसके बाद आता है इंटरव्यू. सो इंटरव्यू के लिए मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर थी एंड फ्रॉम माई प्रीवियस SSB जब मैं रिकमेंड नहीं हुई थी तब से मैंने हर एक वो क्वेश्चन जिसका मैं आंसर नहीं दे पाई थी वो मैंने नोट डाउन किया. उसको मैंने अच्छे से उन क्वेश्चंस का क्या आंसर मुझे देना चाहिए था, क्या मेरा पर्सनल आंसर होना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, बिना उसको किसी के भी बताए कि आपको ये जवाब देना चाहिए इसका, ये सब मैंने कुछ नहीं किया. जो मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स था मैंने वही रखा और उसको मैंने हमेशा याद रखा कि मुझे कुछ गलत नहीं पोर्ट्रे करना है, मुझे ट्रूथफुल रहना है अपने आंसर्स के साथ. और अगर मैंने ये चीज़ देखी कि जब मैं ट्रूथफुल रही तो क्रॉस क्वेश्चनिंग आंसर्स क्वेश्चंस की बहुत कम हुई, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ चला एंड इट वाज 1.5 आवर्स मेरा इंटरव्यू चला. मेरा इंटरव्यू GTO के सेकेंड डे पे था. सो और वो प्रेसिडेंट, बोर्ड के प्रेसिडेंट ने लिया था. सो मैंने ऑल थ्रू द इंटरव्यू मैंने लाइवलीनेस अपनी मेंटेन रखी, अच्छे से मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया, नर्वस मैं नहीं हुई बिल्कुल भी, जो कि मैं पिछली बार हो गई थी. क्योंकि मैंने ये देखा है नर्वसनेस की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए अच्छा जाता हुआ परफॉर्मेंस भी ख़राब हो सकता है. सो अपने ऊपर विश्वास रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. यू शुड बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड दिस वुड ओनली बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज मैंने यहाँ भी मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे एंड सिंस आई वॉज प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल. मुझे शिशिर सर ने जो भी पॉइंट्स बताए कि यू शुडेंट लुक सीरियस, यू शुडेंट लुक नर्वस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. सो मैंने हर एक वो पॉइंट जो मुझे यहाँ अकेडमी में ब्रीफ किया गया मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा. अपने सेकेंड फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद मैंने रैपिड फायर क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैपिड फायर क्वेश्चन आया अच्छे से नहीं हो पाया था. सो मैंने खुद के रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद लेती थी उसके लिए, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ गूगल मीटिंग भी की कि लेक्चरेट में, GD में और रैपिड फायर क्वेश्चन में बहुत मदद मिली मुझे अपने फ्रेंड से भी. सो ऐसे मेरा इंटरव्यू गया एंड व्हाट आई फेल्ट कि SSB निकालना इज़ नॉट टफ बट यू शुड हैव इट, मींस यू शुड हैव दोज क्वालिटीज़ इन यू एंड इफ़ वन डजंट हैव इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट क्वालिफाई SSB. जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको वो क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी है एंड दैट आर नॉट सो मैनी बिग क्वालिटीज़ बट दैट आर जनरल क्वालिटीज़ दैट अ काइंड ह्यूमन बींग और अ गुड ह्यूमन बींग शुड हैव.
एंड मैंने वही अपनी डेली लाइफ में फॉलो किया। मैं हर एक वो गलती जो पहले करती थी, जो मेरे कैरेक्टर को, मेरे पर्सनालिटी को ख़राब करता था, मैंने वो सारी क्वालिटीज़ को अलग रखा और मैंने बार बार मैं देखती थी कि हाँ मुझे क्या चाहिए अपने अंदर। Since I will be the first person from my family to join the armed forces and so मेरे ऊपर बहुत बड़ी responsibility भी थी कि मैं बहुत अच्छे से अपने performance को रखूँ। So मैं इस बार बहुत sure थी कि मैं अपने last attempt में किसी भी तरह मुझे निकालना है, और मैंने अपना morale बिल्कुल भी down नहीं होने दिया, बल्कि मैंने उसे हाई रखा। मैंने अपनी मिस्टेक्स को इंट्रोस्पेक्ट किया और फाइनली मेरे मैंने SSB की तैयारी अच्छे से मैं हर एक दिन करती गई एंड फाइनली आई कुड परफॉर्म वेरी वेल इन माय इंटरव्यू। सो ऑल दोज 5 days दैट आई स्पेंड देयर एंड वर वेरी गुड एंड फाइनली जब मेरा नाम लिया गया कि येस चेस नंबर 29, सो आई फेल्ट वेरी वेरी मच हैप्पी एंड दैट हैप्पीनेस इज द थिंग दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड फाइनली मुझे लगा कि हाँ मेरी मेहनत काम आई एंड आई फील कि जस्ट आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी क्वालिटीज़ को आप दबाइए नहीं। जो आपकी पर्सनालिटी है, जिसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, डेली लाइफ में आप जो भी करते हैं उससे अच्छे से रूबरू रहिए। और तो और एक और चीज़ कि आप जो भी इंटरव्यू में बोलते हैं उसके लिए आप वैलिड एग्जांपल्स रखिए। अगर आपके पास वैलिड एग्जांपल्स रहेंगे तो आपकी बात में दम होगी एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेन एवर यू टेल एनी ऑफ योर क्वालिटीज़ देयर डेफिनेटली द इंटरव्यूअर विल आस्क यू द इंसिडेंसेस ऑफ द सेम। सो लाइक दिस आई कम्प्लीटेड सक्सेसफुली माई फुल SSB प्रोसीजर एंड कुड डू माई बेस्ट। थैंक यू। क्या आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह जुनून रखते हैं कंधों पर सितारे पहनने का? इस 2023 बदले अपने जुनून को सफलता में। ज्वाइन करें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाले कोचिंग संस्थान सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को NDA 2023 एग्जाम की A to Z तैयारी के लिए। फाइंड सेपरेट एंड रेगुलर क्लासेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, फ्री SSB ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स एंड एक्स SSB बोर्ड मेंबर ऑफिसर्स, इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, लाइब्रेरी एंड DCS फैसिलिटी, स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फैसिलिटी, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मॉर्निंग फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस, फ्री एक्सेस टू सेंचुरियन डिफेंस अकेडमीज मोबाइल ऐप, मिनी इंडिया एक्सपोजर अंडर सेंचुरियन थ्रू। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 9795977776 पर और अपनी सीट बुक करें।